एक्साइटेड है, थोड़ा सा डरे हुए हैं कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक्चुअली मैं डरा हुआ इससे हूँ क्योंकि मुझे कल एक लोग को एग्जाम दिलाने सेंटर तक ले जाना है, तो वो टाइम जो 4-5 घंटे मेरा जाएगा उसका मेरे को टेंशन है। नहीं तो कल मैं तो कर ही लूंगा, आज अगर मैं ये 2 चैप्टर कर लूंगा, अभी 4 चैप्टर 2 चैप्टर अगर आज मेरा कंप्लीट हो जाता है तो आगे मैं कर लूंगा। लेकिन कल जो 7 डे है ना उसमें मेरे को एक 5 घंटे का ब्रेक लेना है। कितना? 5 घंटे का ब्रेक लेना है एटलीस्ट, कम से कम 5 घंटे का। मैं घर से निकलूंगा 10 बजे, 10 के आसपास निकलूंगा, 10 साढ़े 10 के पास, और उसके बाद आऊंगा एटलीस्ट 3-4 घंटे लगेंगे, तो मेरा 5 घंटे का ब्रेक होगा। तो उसी लिए मेरे को टेंशन है कि अगर आज मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाता हूं तो कल मैं क्या बैकलॉग लेके चलूंगा क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, डर मुझे भी लगा, स्टार्ट करूंगा क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया। हाँ, तो एक शायर ने खूबी कहा दोस्तों कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया हौसला देखकर। मंजिलें मिल जाएंगी, बस आपको बढ़ना है, आगे चलना है, ठीक है। मंजिलें वही पाते जो रास्ते इख्तियार करते हैं। आज हमें इनिशिएट करना है, अपने को एक कदम बढ़ाना है आगे, बस। सो सीधा स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केटिंग मिक्स? डिस्कस इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरियस वेरियस आपको बताने हैं। हो, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मार्केटिंग मिक्स फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल कॉम्पिटेटिव मार्केटिंग स्टेटमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि बहुत ही ओवरऑल कॉम्पिटेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्म करता है। मार्केटिंग मिक्स इज सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वॉन्ट्स इन द टारगेट मैप। ये लाइन अच्छी है। द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स। ये क्या है? सेट ऑफ वेरिएबल्स है, सेट ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स, सेट ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स एंड दैट टू अ कंट्रोलेबल, सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स जो कंपनी अप्लाई करती है प्रोड्यूस करने के लिए। क्या? टारगेट, अपना टारगेट अचीव करने के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट द फर्म कैन डू टू इन्फ्लुएंस। मार्केटिंग मिक्स वो सारी चीजों को कंक्लूड करती है जो कंपनी रखती है, दैट कंपनी डू टू इन्फ्लुएंस, जो कंपनी करती है या रखती है टू इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अपने डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ाने घटाने के लिए जो भी चीजें कंपनी करती है या फिर रखती है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। द वेरिएबल आर ऑफन रेफर्ड एज द 4 P's। 4 P's भैया, 4 P's। इस बार एक्रोनियम बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 P। आपका एक्रोनियम बनाने में बहुत टाइम। द 4 P's स्टैंड फॉर प्रोडक्ट प्राइस प्लान एंड प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? प्रोडक्ट प्राइस प्लान एंड प्रमोशन। आपको एक इसमें भी ट्रिक दे देते हैं कि कैसे याद किया जाए। प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्लान, और ये हो गया आई एम सॉरी प्लीज प्राइस प्रमोशन। सो प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन। अब तीन में आर है, तीन में पी के बाद आर है और एक में एल है, तो एल आर होता है लिमिटेड रिव्यू। तो आपको करना क्या? मार्केटिंग का लिमिटेड रिव्यू करना है। हो गया लिमिटेड रिव्यू। एल आर होता है एक अकाउंटिंग टर्म में लिमिटेड रिव्यू। तो कितनी बार करना है? 3 बार। तो प्रोडक्ट प्राइस 4 P's को कैसे याद करें? पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्रमोशन, एल फॉर प्लेस। तो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, तो लिमिटेड रिव्यू 3 बार कर लो तो आपको मार्केटिंग मिक्स पता चल जाएगा। वैसे 4 P's ही काफी, अगर आपको और ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये इसका ले सकते हैं। एन इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम ब्लेंड्स ऑल द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट इनटू द कोऑर्डिनेट प्रोग्राम डिजाइन टू अचीव द कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बाय डिलीवरिंग वैल्यूज टू द कस्टमर्स। एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स क्या होगा? एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स ब्लेंड्स ऑल द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स, जो सारे मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट को मिला के ब्लेंड करके एक ऐसी चीज बनाए जिससे हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। द 4 P's आर फ्रॉम अ मार्केट एंगल।
फोर फीस क्या है आर फ्रॉम मार्केट एंगल व्हेन ट्रांसलेटेड टू द बायर्स एंगल. ये मार्केट एंगल्स होते हैं जब बायर के एंगल से देखा जाएगा तो इसको फोर सीज भी बोलते हैं. और वो फोर सीज क्या होता है, प्रोडक्ट में बी रेफर्ड एज अ कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस एज अ कस्टमर कॉस्ट, प्लेस एज कन्वीनियंस एंड प्रमोशन एज अ कम्युनिकेशन. तो ये फोर प्रमोशन एज अ कम्युनिकेशन, तो ये फोर सीज क्या क्या हो गए. प्रोडक्ट में बी रेफर्ड एज अ कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस इज अ कस्टमर कॉस्ट, कॉस्ट उसका, प्लेस एज द कन्वीनियंस एंड प्रमोशन एज द कम्युनिकेशन. तो फोर सीज अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में बी रेफर्ड एज अ कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस एज अ कस्टमर कॉस्ट, प्लेस एज अ कम. अच्छा आई एम सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, फोर सीज नहीं, प्रोडक्ट में भी रेफर्ड. देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ट्रांसलेटेड टू द बायर्स एंगल देन मे बी टर्म्ड एज फोर सीज. इसको फोर सीज भी माना जाएगा जब बायर एंगल से देखा जाएगा. अब यहाँ पे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, जो बायर एंगल से कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेफर करेंगे एज अ कस्टमर सोल्यूशन. प्रोडक्ट क्या है, एक कस्टमर के लिए उसके लिए सोल्यूशन एज अ कस्टमर सोल्यूशन. प्रोडक्ट क्या है, एक कस्टमर के लिए उसके लिए सोल्यूशन है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. प्राइस पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, तो पी प्राइस से क्या होगा, प्राइस इज अ कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर के लिए वो क्या है, कस्टमर का कॉस्ट है. और प्लेस एज अ कन्वीनियंस, प्लेस क्या है, कन्वीनियंस है उसके लिए. और प्रमोशन एज अ कम्युनिकेशन. तो इसका फोर सीज क्या हो गया, पहली बात तो कस्टमर सोल्यूशन हो गया, कस्टमर सोल्यूशन. दूसरा क्या होगा, कस्टमर का कॉस्ट, कस्टमर का कॉस्ट. एंड प्लेस एज अ कन्वीनियंस, और क्या हो गया, कन्वीनियंस. और प्रमोशन एज अ कम्युनिकेशन, प्रमोशन एज अ कम्युनिकेशन. तो ये सारी हो गई मेरी चार सीज, कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन. कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन को एक साथ याद करो, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन याद हो गया. अब कस्टमर और कॉस्ट को एक साथ, बस हो गया. नाउ मूव टू दिस, व्हाट इज प्रोडक्ट, स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्बिनेशन द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट. अब सिंपल सी प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करना, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं लेकिन मैं एक एक पैर आपको बता देता हूँ. स्ट्रेटजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. अब इसमें क्या है, स्ट्रेटजी का क्या काम होगा, इसमें स्ट्रेटजीज नीडेड होगी मैनेज करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर टाइम, एडिंग न्यू वंस टाइम के अनुसार, नया ऐड करना और पुराना ड्रॉपिंग फेल प्रोडक्ट, जो पुराना प्रोडक्ट है उसको ड्रॉप करना. तो तीन चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो पुराना है उसको मैनेज करो, नया कुछ लाओ और पुराने जो काम नहीं कर रहे उसको ड्रॉप करो. तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट ऑल्सो बी मेड रिगार्डिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स फीचर्स सच एज वारंटीज. स्ट्रेटेजी इन पे भी बननी चाहिए, मस्ट बी मेड रिगार्डिंग ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे और उनकी वारंटी पे. ठीक है, तो ये रही प्रोडक्ट की बातें. प्राइस भी क्या बोलते हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है. क्रिस्प वही रहता है, पहला लाइन ही क्रिस्प है और पूरा लिखने का भी उतना डिटेल में जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. प्राइस स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ द मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन प्रोडक्ट. प्राइस क्या है, स्टैंड फॉर द अमाउंट मनी जो कस्टमर पे करेगा वही है. एसेसरी स्ट्रेटजी पर्टेंट टू द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड आइटम्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन एंड टर्म ऑफ द सेल. अब इसमें कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी, नेसेसरी स्ट्रेटजी पर्टेंट टू लोकेशन, टू द लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स. देखिए कुछ चीजों के अनुसार आपको प्राइस रखना पड़ता है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, लोकेशन कैसा है कस्टमर, जैसे मुंबई में प्राइस शायद कुछ कम बेसी हो या फिर ऐसा हो. एंड लोकेशन ऑफ द कस्टमर, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसे ही दाम और उसके वेरिएबल्स का दाम ऊपर नीचे हो तो प्राइस घटता बढ़ता रहे. रिलेटेड आइटम्स, उसके रिलेटेड आइटम्स के अनुसार ही प्राइस रखा जाए, फिर उसका रिलेटेड आइटम का दाम भी रखा जाए. विद इन अ प्रोडक्ट लाइन एंड टर्म ऑफ का दाम भी रखा जाए. विद इन अ प्रोडक्ट लाइन एंड टर्म ऑफ द सेल. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इट्स कंपोजिट एक्सप्रेशन ऑफ इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी टू द कस्टमर्स, इट्स डिमांड, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, कॉम्पिटिशन इट फेसेस. अच्छा, प्राइस को किस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए. पहला फैक्टर डिमांड, दूसरा क्वालिटी, तीसरा रिलायबिलिटी, चौथा सेफ्टी.
the competition it faces, competition वो face करता the desired profit, और जो desired profit उसे चाहिए, okay? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए price के ऊपर आप ध्यान रखिए, लेकिन एक point इसमें important है कि for a new product pricing strategy for entering a market needs to be designed in pricing a really new product at least. आप जो ऊपर बात की वो ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो इन तीनों चीजों का बात जरूर ध्यान रखना है, आपके दिमाग में तीनों चीजें रहनी चाहिए. मेकिंग द प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, जब भी आप प्रोडक्ट लाएं तो ऐसा प्राइस रखें कि वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो टू द कस्टमर्स. प्रोड्यूसिंग अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट, प्रोड्यूसिंग अ रीजनेबल रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट. आपको एक बात बताएं, मेरा मोबाइल कुछ दूर रखा हुआ, जानबूझ के मैंने रखा है, वो पास रहता है तो हम कुछ करने लगते हैं, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, आपकी भी टेंडेंसी होगी. तो मैं करता क्या हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो कुछ करता हूँ तो अपने से मोबाइल को थोड़ा दूर रख देता हूँ कि मेरे को फिर डिस्ट्रैक्शन ना हो, कुछ मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया तो दूर रखता हूँ, और उसको स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो. इसीलिए कॉल आएगा तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, बाद में देख लेंगे हम, किसी का मैसेज आया है आप क्या बोल रहे देख ले. एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, पहला फैक्टर तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. प्रोड्यूसिंग अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट, प्रोड्यूस करना है एक रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर एक रीजनेबल मार्जिन. अचीविंग अ मार्केट दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग मार्केट शेयर, अचीविंग अ मार्केट दैट हेल्प्स in developing that helps in developing market share, जो help करेगा develop करने में market share को, ठीक है. तो marketing the product acceptable to the customer, market करो product को जो acceptable हो customer को, product reasonable margin over the cost, cost के ऊपर हल्का सा margin रखो भाई अभी नया product लाया. Achieving a market that helps in developing the market share, अचीविंग द मार्केट मतलब ऐसा प्रोडक्ट रखो जिससे हम मार्केट शेयर को अचीव कर पाए, ठीक है. अचीविंग द मार्केट मतलब ऐसा प्रोडक्ट रखो जिससे हम मार्केट शेयर को अचीव कर पाए, ठीक है. नाउ प्लेस, प्लेस स्ट्रेंथ फॉर द कंपनीज एक्टिविटीज, कंपनी की एक्टिविटी दैट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर. आप ऐसी जगह दुकान खोलिएगा जहां पे कस्टमर्स आपके आते हों, समझ रहे हैं. One of the most basic marketing decision is choosing the most appropriate marketing channel. बिल्कुल, बिल्कुल आप जहां वहां पे business करिए जहां आपके customer, आप जब customer identify ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन खरीदने आएगा. Strategy should be taken for management of the channels by which ownership of the product is transferred from producers to customer and in many cases. देखो, strategy कैसी होनी चाहिए. Strategy should be taken for the management of the channels by which ownership of the product is transferred from producers to customer and in many cases the system by which goods are moved from where they produce to where they purchase by final customers. देखो, मैं अगर दिल्ली बेस्ड मेरी कंपनी है, मैं दिल्ली में सपोज करूं प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि मेरा जो चैनल है यहां से माल डिलीवरी भी हो पाए और जहां पे मेरा नया दुकान खुले वहां पे कस्टमर भी आते रहे. स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल टू द मिडिल मैन सच एज होलसेलर एंड रिटेलर मस्ट बी डिजाइन. जो मिडिल मैन रहते, कोई भी धंधे को चलाने वाले मिडिल मैन रहते, जैसे मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है तो मेरे को माल पहुंचाना है, बैंगलोर पहुंचाना है, चेन्नई पहुंचाना है, मेरे को पंजाब पहुंचाना, हरियाणा पहुंचाना है, मेरे को यूपी पहुंचाना है, मेरे को कोलकाता पहुंचाना है, वेस्ट बंगाल पहुंचाना है, ऐसे करके पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा, यही करूंगा, मध्य प्रदेश पहुंचाना है. द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक मिडिल मैन और होलसेलर की पॉलिसी होनी चाहिए कि उनकी स्टोर्स कहाँ कहाँ होंगे. तो ओवरऑल बोला जाए तो बाई विच ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स इन मेनी केसेस द सिस्टम बाई विच goods are moved from where they produce to where they purchase to the final. अब इसका भी where they, आप complication लग रहा होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, easy कर दे रहा हूँ थोड़ा. strategy इसके ऊपर भी बननी चाहिए कि where, यहाँ पे लिखा हुआ है, the system by which goods are moved from where they produce and where they
आर परचेज. तो इसकी भी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि विच गुड्स आर मूव्ड, कौन सा गुड्स मूव्ड हुआ, फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस होगा, कहाँ मूव होगा एंड कहाँ पे फाइनल कस्टमर्स हैं, उसको भी देखते हुए हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी प्लेस की. ठीक है, तो अगर मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो जहां हमारे पास कस्टमर्स हैं, हमें ये देखना होगा कि हमें गुड्स कहाँ बनाना है, कहाँ से कहाँ भेजना है, फ्रॉम वेयर वी प्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर वी विल सेंड एंड वेयर इज आवर कस्टमर्स. और लास्ट में मिडिल मैन की बात की हमने, मिडिल मैन में अपने आ गए होलसेलर और रिटेलर था, होलसेलर और रिटेलर से आप, तो इनकी भी स्टडी होनी चाहिए, इनकी दुकान कहाँ होगा. द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ अ कंपनी आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग. मार्केटिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना. द डिसीजन टू यूटिलाइज द पर्टिकुलर मार्केटिंग चैनल और चैनल सेट्स द पैटर्न ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेल फोर्सेज. सेल फोर्सेज आपके तभी काम करेंगे जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा हो, तभी तो सेल होगा. प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे माल बिकेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रमोशन. Stands for the activities that communicate the merits of the product and pursue target consumers to buy it. हम product के बारे में बताएंगे और उनको help करेंगे, उनको लुभाएंगे कि मेरा product खरीद लो. इसका अगर बोला जाए तो हम मेरिट्स को कम्युनिकेट करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, क्या क्या अच्छी चीजें हैं वो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. अब एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा चीज आता है कि आप क्या बताएं. एंड परस्यूड टारगेट कस्टमर्स. ठीक है, हम अपनी मेरिट्स, प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में बताएंगे और अपने कंबाइन इंडिविजुअल मेथड सच एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन इनटू कोऑर्डिनेटेड कैंपेन. इन एडिशन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में बी एडजस्टेड एज अ प्रोडक्ट मूव फ्रॉम अर्लियर स्टेज फ्रॉम लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ. अब देखो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रमोशन में, स्ट्रेटजी कहाँ कहाँ जरूरत है एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन में जो एडवर्टाइजमेंट होगा कितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट बजट में देंगे, कितना करेंगे बजट, कहाँ करेंगे, पर्सनल सेलिंग किसको किस कहाँ कैसे पर्सनल सेलिंग किया जाए, सेल्स प्रमोशन कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमें कितना खर्चा करना है. अब देखिए मॉडर्न मार्केटिंग, ये स्ट्रेटेजी आपकी बात है. मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू पुश देयर सेल्स एंड मार्केट्स इन स्टैंडिंग ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस एंड इन प्रॉफिटेबल मैनर अंडर कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटेटिव सॉल्यूशन. आजकल का जो मार्केटिंग हो गया वो प्रमोशनल हो गया, प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट और जो भी उनका प्रोडक्ट है वो मेरिट्स नहीं बताते, वो उस चीज को प्रमोट करते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है. प्रमोशंस आल्सो एक्ट एज इंपेटियस टू मार्केटिंग. इट इज साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन, पर्सुएशन एंड कंडीशनिंग प्रोसेस. व्हाट इट इज, साथ साथ ये क्या है कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाए. कम्युनिकेशन, पर्सुएशन एंड कंडीशन प्रोसेस, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर. देयर आर एटलीस्ट फोर मेजर डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड, चार मेजर प्रमोशनल मेथड्स हैं, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन. अब मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है. प्रवीण सर के पर्सनल असिस्टेंट है, PSPA असिस्टेंट से बात करना होगा प्रमोशन अगर आपको अच्छा कराना है तो. डोंट टेक इट एनी अदर वे, बट आपको प्रवीण सर के पर्सनल असिस्टेंट से बात करना होगा अगर आपको डायरेक्ट प्रमोशन मेथड जानना है तो. पी फॉर क्या हो गया, पर्सनल सेलिंग, एक एक जाके घर घर बेचेगा, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द सेलिंग है ये. हो गया पर्सनल सेलिंग. फिर एज फॉर वॉट,
पीएसपीए एस फॉर हो गया सेल्स प्रमोशन और पी फॉर पब्लिसिटी एस फॉर आई एम सॉरी नहीं है सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग. तो ये चार चीजें हैं जो डायरेक्ट मेथड ऑफ सीसीटी एडवर्टाइजिंग. तो ये चार चीजें हैं जो डायरेक्ट मेथड ऑफ सेलिंग डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रमोशन है. पहला चीज क्या बोलता है, अरे भैया पर्सनल मतलब घर घर जाके बेचो. पर्सनल सेलिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, बहुत पुराना प्रोडक्ट माल है. इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद सेल्स फोर्स एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड क्लाइंट. दरवाजे पे क्या बेल दबाए एक्वा गार्ड वाले की तरह, भैया हेलो वी वांट टू हैव सम फ्रेश वाटर सो प्लीज इंस्टॉल एक्वा गार्ड. हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो एक अच्छी कंपनी है, इंडिया में बहुत ही अच्छा काम कर रही है. एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल, ये एक नॉन पर्सनल है, आपको हर आदमी से मिलना नहीं होता. हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल, जितना खर्चा करना चाहते उतना करिए. डायनामिक प्रमोशनल मैथड, इसमें प्रमोशनल मैथड भी बहुत ज्यादा है, आप कहीं पे भी आप कर सकते हैं, टीवी पे भी कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी कर सकते हैं. द मीडिया ऑफ फॉर एडवर्टाइजिंग आर सेवरल सच एज पैम्पलेट बनवा लो, ब्राउचर्स बनवा लो, न्यूज पेपर में दे दो, मैगजीन, होर्डिंग, डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारी चीजें आपके पास है, आप इसको यूज करके एडवर्टाइजमेंट कर लो, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टू द पब्लिसिटी. दिस इज वन ऑफ द नाउ जो बड़े बड़े ब्रांड करते हैं. पब्लिसिटी इज ऑल्सो नोन एज नॉन पर्सनल, भी नॉन पर्सनल है और प्रोपोर्शनल एडवर्टाइजमेंट. हाउएवर नो पेमेंट आर मेड टू द मीडिया एज इन द केस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. हालांकि इसमें प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट की तरफ मीडिया को पेमेंट नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशनल स्किलफुल सीक टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर प्रोडक्ट विदाउट पेमेंट. ऑर्गेनाइजेशन स्किलफुली सीक टू प्रमोट, अपने दिमाग से बुद्धि से अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं. पब्लिसिटी इज द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांड और बिजनेस बाय प्लेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इन द मीडिया विदाउट पेइंग फॉर द टाइम और मीडिया स्पेस डायरेक्टली. अब जैसे कि अगर आपको बताया जाए, देखो ये वाली केस में बेसिक टूल फॉर पब्लिसिटी क्या क्या है, प्रेस रिलीज कर दी कि भैया हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी, आप बताइए क्या करें, रिपोर्ट्स कुछ इशू कर दी, स्टोरीज कुछ लिख दी, इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स रिलीज कर दिए. दीज रिलीजेस मस्ट बी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, और ये रिलीजेस पब्लिक के इंटरेस्ट में रहेगा. और जैसे कि मैं अगर सपोज करो हैंड सैनिटाइजर बेचता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि आप आइए यहाँ से जो गुजरेगा वो हाथ धो के आराम से जाएगा. तो वो मेरे ब्रांड की पब्लिसिटी भी हो गई और काम का काम भी हो गया. इसको बोलते हैं बिजनेस मैन. सेल्स प्रमोशन इज एन ओमनिवर्स टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है ये. इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू प्रमोट द बिजनेस बट आर नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड अंडर पर्सनल सेलिंग. हाँ, ये पर्सनल सेलिंग इंक्लूड नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट भी और पब्लिसिटी भी इंक्लूड नहीं करता है, तीनों को छोड़ के. एक्टिविटीज लाइक 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट, लाइक डिस्काउंट, कंटेक्स, मनी रिफंड, इंस्टॉलेशन, किशॉक, एग्जिबिट्स, आपका इंस्टॉलेशन फ्री है. आप बुक करिए टीवी, आप बुक करिए फर्नीचर, आपके घर में इंस्टॉलेशन फ्री आएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन से कुछ भी. एंड फेयर्स कंसिडर्ड सेल्स प्रमोशन, इससे आपका होगा सेल्स प्रमोशन. और एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या है, क्वेश्चन ने पूछा था ना एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या है. Now let's see कि expanded marketing mix क्या है. Typically all organization use a combination of 4 P's. सारे के सारे typically क्या करते हैं, organization use करते हैं 4 P's in some form or other. कुछ form में या फिर कुछ other form में. However, the above element of the marketing mix are not exhaustive. लेकिन ये चार चीजें ही नहीं है सारा marketing में, और भी बहुत सारी चीजें हैं. इट इज पर्टिनेंट टू डिस्कस अ फ्यू मोर एलिमेंट दैट मे फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग स्टडीज. एक्सपेंडेड बोलता है कि हम कुछ और भी बातें करेंगे
इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फोर अ फ्यू न्यू पीस, कुछ नए पीस भी हमारे पास देखिए, पी फॉर पीपल, पी फॉर फिजिकल एविडेंस, और कुछ पी पढ़ाइए इसमें तो एक्सपेंडेड हो जाएगा। फिर पीपल हो गया, प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस क्या बोलते हैं, द एक्चुअल प्रोसीजर्स मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटी बाय विच प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डिलीवर्ड। जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, डिलीवरी चैनल आपका अच्छा है, तो भी आपकी मार्केटिंग प्रमोशन होगी। जैसे फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आया, आई एम वेरी हैप्पी कि फ्लिपकार्ट ने फास्ट डिलीवरी किया, तो फिर मैंने क्या किया, 5-star रिव्यू लिख दिया, उस प्रोडक्ट का तो प्रमोशन हो गया। द एनवायरमेंट इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड एंड वेयर द फॉर्म एंड द कस्टमर्स इंटरैक्ट। फिजिकल एविडेंस भी बहुत जरूरी है, जहां पे आप माल बेच रहे हैं एंड जहां पे फॉर्म एग्जिस्ट करता है। देखो मेरा, अगर मैं दिल्ली बेस्ड या मुंबई बेस्ड कोई कंपनी हूँ, तो वहां की इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर पाऊंगा और अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊंगा। फिजिकल एविडेंस, द एनवायरमेंट इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड, जो मार्केट का ऑफरिंग है वो डिलीवर हो रहा है, मार्केट में जो डिमांड है वो डिलीवर हो रहा है। वेयर द फॉर्म एंड द कस्टमर इंटरैक्ट, वहां पे फॉर्म और कस्टमर अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। जैसे ये दिल्ली का है, तो दिल्ली वालों को दिल्ली वाला अच्छे से समझेगा, मुंबई वाले को मुंबई वाला अच्छे से समझेगा। पीपल, ऑल ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले अ पार्ट इन द डिलीवरी ऑफ द मार्केट ऑफरिंग एंड थस इन्फ्लुएंस द बायर्स, ऐसे भी बोले जाते हैं। जैसे अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे या फिर बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को देख लो, तो वो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कोई बुक को लॉन्च करते हैं। बुक्स मोस्टली देखोगे तो बड़े बड़े हीरो लोग से लॉन्च किया जाता है। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर आप गलत रास्ते पे। मेरे पास अभी पूरा मेरा रैक सामने ही है, बुक पढ़ा हुआ है, और मैं अभी एक बुक मेरे सामने रखा हुआ, उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मफेन ने लिखा हुआ है, और उसके पीछे लिखा हुआ है द बुक दैट विल चेंज योर लाइफ। तो ऐसी बुक्स आप पढ़ा करें, आपको हेल्प होगा, मदद मिलेगी। बॉस बहुत अच्छा लगता है मुझे बुक पढ़ना, और मैं क्या बोलूँ, आप जब एक बार खुद पढ़ोगे ना, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। और आपके पास जब भी टाइम हो एक दो बुक पढ़िए, मैं तो बहुत बुक पढ़ता हूँ, बट मैं ऐसे बोलूँगा, बट आई विल एडवाइस कि आप बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। कैटेगरीज होती है बुक्स में, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, फिक्शन मत पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, लव स्टोरीज मत पढ़िए। चेतन भगत को मैं नहीं पढ़ता लेटली, अभी उनका एक बुक आया, समथिंग कॉल्ड रूम नंबर 302 और समथिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना, एक्सपेंडेड में 3 पीस जुड़ गया, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। और ये रही अपनी पूरी कहानी, ये जर्नी बड़ी लंबी थी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डू यू नो, इज इट द सेम एज, लेट मी चेक द टाइम फर्स्ट, 28 मिनट्स हो रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे? नहीं, जब आप ये अपने आप से पूछोगे क्या हम कर पाएंगे ना, तो उसी समय आप कर लोगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इज इट द सेम एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिस्कस, क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तरह ही होता है या फिर कुछ और होता है? द वे बिजनेसेस आर कंडक्टेड इन द लेटेस्ट इयर्स इज इंटायरली, मतलब जो पुराने समय में बिजनेस जो कंडक्ट किए जाते थे वो इंटायरली डिफरेंट है एज दैट कंडक्टेड नाउ, जो आजकल कंडक्ट किए जाते हैं। Today, organization work is highly turbulent environment. There are several changes in the business environment. They have contributed to the development of supply chain network. The technology has made impact on all spheres of the business activities. Organization system have improved. Organization का system improve हो गया, technology improve हो गई, बहुत सारी चीजें change हो गई। ये एक लंबी चौड़ी background बन रही है। Even the available infrastructure is moving. जो infrastructures वो भी move कर रहे हैं, improve हो रहे हैं, I'm sorry. Technology changes and reduction in the information communication cost with increase in its speed has led to the changes in coordination among the number of the supply chain network. Availability of the newer technology have resulted in creation of the innovation products and shorter product life cycle. Traditionally companies have managing themselves by taking order. पहले क्या था कि कंपनी ट्रेडिशनली क्या करती थी, खुद से ऑर्डर लेती थी, बाय सप्लाईज
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड शिपिंग देम फ्रॉम देयर वेयरहाउस. अभी ऐसा नहीं है. सच ऑर्गेनाइजेशन मे लूज आउट द बिजनेसेस दैट स्ट्रांगली लीड देयर फोकस ऑन की एरियाज ऑफ द मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड डेवलपिंग डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर ऑन आउटसोर्सिंग द रेस्ट. देखो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ऑर्डर लेता था, खरीदता था, माल बनाता था और बेचता था फ्रॉम देयर वेयरहाउस, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सच ऑर्गेनाइजेशन में लूज आउट द बिजनेसेस दैट स्ट्रांगली ले देयर फोकस ऑन द की एरियाज. वो की एरिया से फोकस भूल जाते थे. पहली चीज तो मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते थे, दूसरी बात ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर पाते थे और डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर्स भी नहीं दे पाते थे, डिलीवरी वैल्यू भी नहीं दे पाते थे. Outsourcing the rest to the customer, outsourcing the rest. Today, organization and individual. अब आता है मतलब answer में. आज का scenario क्या है? Today, organization and individual customers have become more demanding. Customers और organization दोनों बहुत demanding हो गया. They desire customized products that are made according to their needs. उनके need के अनुसार जो बना हुआ है वो product होना चाहिए. They all aspire that these should be available at the lower cost. और सारे को चाहिए वो lower cost पे. The term supply chain refers to the linkages between supplier. अब supply chain होता क्या है वो देखते हैं. कहानी background आपको clear हो गई कि ऐसे ऐसे होता है. अब देखते हैं. The term supply chain refers to linkages between the suppliers, manufacturers and customer. Golden line, golden statement. याद कर लीजिए कि supply chain होता क्या है. It's a linkage between suppliers, manufacturers and customers. Supply chains involving all activities like sourcing and procurement of material conversion. Supply chains involve. अभी क्या-क्या चीजें involve करता है? All activities like sourcing and procurement of the material. Sourcing कहाँ से material आएगा? Sourcing, procurement उसका कैसे उसका देखभाल रखा जाएगा? कन्वर्जन कैसे किया जाएगा? कन्वर्जन एंड लॉजिस्टिक्स उसका कैसे माल डिलीवर किया जाएगा. ये होता है सप्लाई चेन में कंटेंट. प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट. प्लान करना और कंट्रोल, प्लानिंग एंड सब कंट्रोल ऑफ द सप्लाई, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सप्लाई आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का दो चीज इंपॉर्टेंट है कि प्लान करना और कंट्रोल करना. Naturally, management of supply chain include closely working with channel partners, supplier, intermediary and other service providers and customers. काम करते हैं supplier के साथ, intermediary के साथ और other service providers से कि जल्दी माल आ जाए, जल्दी माल बन जाए, जल्दी supply हो जाए. Supply chain management is defined as a process of planning. Supply chain management क्या होता है? Supply chain आपको पता चल गया. अब supply chain management क्या होता है? Is defined as a process of planning. वो एक process है plan करना. कोई भी चीज को plan करो, फिर उन्हें implement करो and उसको control करो. The supply chain operation. तो simple से बात अगर बोले, supply chain management is the planning, implementing and controlling supply chain operations. ठीक है. It is a cross functional approach to managing the movement of the raw material. It's a cross functional approaches. ये cross functional approach है. Approach to managing the movement of the raw material. जो movement of the raw material को manage करेगा into an organization, एक organization में, and the movement of finished goods out of the organization. एक finished goods का movement organization के बाहर जो होगा towards the end customers who are satisfied as efficiently. तो जो product आएगा घर में और जो घर से बाहर जाएगा, तो इसके movement का वो क्या करेंगे? Manage करेंगे इन सारे movements को. और आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्राइविंग टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है कोर कॉम्पिटेंसीज पे एंड रिड्यूस देयर ओनरशिप ऑफ सोर्सेज एंड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. वो खुद से रॉ मटेरियल नहीं मंगाती. आज का सिनारियो क्या है कि भैया कोई भी खुद से रिसोर्सेज नहीं मंगाता, बोला आउटसोर्स कर लेंगे, वो तो मास्टर उससे मांगा लो, कम दाम पे पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अपना नहीं रखती, बोलो कोई और संभालेगा.
these functions can be outsourced, दूसरे से बोले आउटसोर्स कर देंगे अदर बिजनेस दैट स्पेशलाइज्ड, हम जैसे बोले जो स्पेशलाइज्ड इन दीज एक्टिविटीज, स्पेशलाइज्ड इन दीज एक्टिविटीज एंड कैन परफॉर्म इट बेटर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर टू, वो बेटर परफॉर्म भी करेंगे क्योंकि वो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं और उनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहेगा क्योंकि वही काम को ज्यादा करते हैं। इन अ वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन टू टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कोर कॉम्पिटेंसी, और वो अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने मेन फोकस को ध्यान रखेंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। Working in the supply chain improve trust and collaboration among the partners and thus improve flow and management of the inventory. इससे management of inventory बहुत अच्छा हो जाता है। Next question is that कि is question में एक चीज था ना कि क्या logistic management भी supply chain management है या फिर दोनों same है, ऐसा question है। तो लेट्स सी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये एक एक्सटेंशन है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये एक एक्सटेंशन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब आपकी इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका एक बड़ा भाई है। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच डिफरेंस है। लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज टिपिकली इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड गुड्स, माल लाना, माल भेजना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई डिमांड प्लानिंग एंड सो ऑन। ऑल्सो दीज एक्टिविटीज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला उसका तो ये बड़ा भाई है, तो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये चीजें रहेंगी, लेकिन द लेटर has different components, इसके कुछ different components है। Logistic management can be termed as the one of its part is related to planning, implementing and controlling the managed movement and storage of the goods, services and related information between the point of the consumption. Supply chain management क्या include करता है? Include more aspects apart from the logistic functions. It is a tool of the business transformation and involves delivering the right product at the right time. सबसे important चीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सही प्रोडक्ट सही समय पे देना है टू द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस। तो हमें चार चीजों पे ध्यान देता है, एक्सटेंशन है लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक में जो चीजें इंक्लूड करती हैं जैसे कि प्रोडक्ट का इनबाउंड outbound goods, warehousing, handling of the material, fulfillment of the orders, inventory management, supply demand planning, ये सारी logistic का part है। लेकिन उसके extension में इसमें क्या है कि business transformation and involves, it is a tool of what? Supply chain management is a tool of business transformation. Business transformation का एक tool है, business transformation का एक tool है, और वो involve करता है कि right product, I repeat, right product राइट टाइम, सही प्रोडक्ट सही समय पे एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस मिल जाए। जैसे फ्लिपकार्ट का आपको क्या लगता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा? वो सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। अमेजन का सुपर्ब है, वो लोग सही प्रोडक्ट सही समय पे सही प्लेस पे सही दाम पे पहुंचा देते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनहांस द कस्टमर्स, एनहांस द कस्टमर सर्विस। भाई कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया ना, एक सेटिस्फाइड कस्टमर हजार अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स से, मतलब एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर है ना वो आपको 1000 कस्टमर दिला सकता है, और एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर है वो आपका 10000 कस्टमर गिरा सकता है, समझ रहे? तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के ऊपर पूरा फोकस करिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉलो करिए। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, तब तक के लिए अभी के लिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं इस ब्रेक। आप सभी का दिल से धन्यवाद, और आप हमारे साथ बोलिए आई कैन एंड आई विल राइट नाउ। आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार आईपीसीसी आज करेंगे।